अज असी तुहानू कहानी सुनावांगे एक अजिही अदाकारा दी जिसने अपनी जिंदगी दी सफलता भी देखी अते विफलता की हुंदी है, किस तरीके दे नाल गलत कम्मां दे नतीजे की हुंदे ने वो भी देखेंगे। गल कर रहे हैं श्वेता बासु प्रसाद दी। छोटे पर्दे तो लैके वड्डे पर्दे तक अपनी प्रतिभा दिखाई उन्होंने 2002 दे विच फिल्म मकड़ी नाल बाल कलाकार दे तौर ते अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। हालांकि इस तो पहला वो छोटे पर्दे ते बहुत सरगर्म सी। फिल्म मकड़ी दे विच उन्हां दी दमदार भूमिका लई उन्हां नूं सर्वोत्तम बाल कलाकार दा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलिया। इस तों बाद जिवें जिवें वड्डी हुंदी गई मशहूर भी हो गई। अभिनेत्री श्वेता बासु प्रसाद दा जन्म जमशेदपुर झारखंड विच होया सी, पर बाद विच उन्हां दा पूरा परिवार मुंबई दे विच जाके वस गया। श्वेता ने अपने करियर की शुरुआत बहुत छोटी उम्र के विच कीती। उन्होंने टैलीविजन तो शुरुआत की, जल्द ही बॉलीवुड में चली गई। 2002 दे विच उन्होंने मकड़ी दे विच डबल रोल नाल अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसलिए उन्होंने जिहड़ा बेस्ट बाल कलाकार का नैशनल अवार्ड भी मिलिया। जी हाँ, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। सिल्वर स्क्रीन पर अपनी सफलता तो बाद ही उन्होंने टीवी शो कहानी घर घर की अते करिश्मा का करिश्मा लई बहुत प्रशंसा मिली। 2005 निर्देशक नागेश कुकनूर वालों उन्हां दी प्रतिभा नूं फिर तो पछाणिया गया। उन्होंने श्वेता नूं फिल्म इकबाल की पेशकश की। उन्होंने फिल्म दे विच खदीजा की भूमिका नाल वड्डे पर्दे ते शानदार प्रदर्शन किया। इकबाल लई 5वें कराची इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल दे विच सर्वोत्तम सहायक अदाकारा का पुरस्कार भी जितया। मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा है जो सितंबर 2014 अचानक पुलिस ने छापेमारी करके श्वेता हैदराबाद के एक होटल तो गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने वेसवा पुने के दोषों के पुलिस वालों हिरासत में लिया गया सी। अते उन्होंने एक रेस्क्यू होम भेजा गया जिथे उन्होंने 2 महीनों लिए रखा गया सी। हालांकि उस साल दसंबर हैदराबाद की मैट्रोपोलिटन सैशन कोर्ट ने उन्होंने खिलाफ सारे दोष वापस ले लिए सन। रिहाई तो बाद उन्होंने कहा उन्होंने गिरफ्तारी के समय वह जिहड़ा संतोषम फिल्म अवार्ड्स मोहरों के शामिल सी उस होटल के ठहरी हुई सी जिथे प्रबंधकों वालों उसके ठहरन का प्रबंध किया गया सी। श्वेता ने बालाजी टैलीफिल्म्स की टैलीविजन सीरीज चंद्र नंदनी के नाल मुख अभिनेत्री नंदनी के तौर पर शानदार वापसी की। उन्होंने अगली हिंदी फिल्म धर्मा प्रोडक्शन वालों बद्रीनाथ की दुल्हनिया सी। इस तो बाद श्वेता भी अपने बयान लैके सुर्खियां च रही। मीडिया रिपोर्ट मुताबक फिल्म निर्माता रोहित मित्तल और श्वेता बासु प्रसाद ने साल 2017 मंगनी करके अपने रिश्ते नवा नाम दिता। दोवे ने 2018 ब्याह करवा लिया। आखिरकार 2019 वक् हो गए। उन्होंने रिश्ता करीब 8 महीने चलिया। श्वेता ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट राही अपने रिश्ते आई खटास बारे भी दसिया। उन्होंने दसंबर 2019 रोहित तो वक् होने बारे जनतक किया। भी लिखा कि तलाक लैन तो बाद रोहित की चंकी दोस्त बनेगी। सो यह जिहड़ी श्वेता बासु की जिंदगी की कहानी सी कि किस तरीके दे नाल जिहड़ा इन्ने वड्डे स्टारडम तो बाद एक अजिहा दौर आया जिस विच उन्हां ते अजिहे इल्जाम लगे, दोष लगे जिन्हां तो वो भी हजे तक उभर नहीं सके। होर जानकारी लैके इनफोरमेशन लैके रूबरू होवांगे। जुड़े रहो लुधियाना लाइव नाल।